देखिए, रिक्वेस्ट आ रही है कि कीज़ और रिज़ल्ट के बारे में बताया जाए। देखिए, हम जानते हैं कि टोटल 45 डेज़ मिले हैं, तो जब जब आप पिछले वीडियो इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई थी वो यही थी कि विद इन दिस टाइम सारा कुछ कर लिया जाएगा, कंप्लीट प्रोसीजर कर लिया जाएगा। तो 20, 21 और 22 को ये हमारे टेस्ट जो हो रहे हैं या हो गए हैं। तो अगर 45 डेज़ में, मैंने कहा था कि आपको ये चल रहा है 10 दिसंबर तक, 10 दिसंबर तक ये कोशिश होनी है कि 10 दिसंबर तक आपको मतलब आपके कॉलेज का जो मुखड़ा है दिखा दिया जाए। तो इसके हिसाब से हमारे पास 20 दिन बच रहे हैं, 20 दिन बच रहे हैं, तो आप 7 डेज़ मैक्सिमम लेके चल सकते हैं। जिनसे मैंने भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त की है वो विद इन 7 डेज़, अभी 2-3 दिन में कीज़ और प्लस विद इन 7 डेज़ रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, रिज़ल्ट के बाद जो गिले शिकवे हैं कि क्वेश्चन ये है वही है, ऐसा कुछ होता है, तो 2-4 दिन मैक्सिमम उसमें कंज्यूम हो जाएंगे। आप 10 डेज़ में ये सारा प्रोसीजर पूरा हो जाना लगता है कि हो जाएगा। ठीक, 10 दिन में होने के बाद फिर आपकी वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगी। तो इसमें डिले होने की कोई वो नहीं है, बस आप जिसने जिनको आप पेपर हो चुका है वो अब अपना कर्म कर दिया है, नेक्स्ट वेट कर सकते हैं। की जब भी आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।